जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने कराई भारतीय टीम में 5 भयंकर खिलाड़ियों की वापसी, जिसके डर से जिम्बाब्वे की पूरी टीम थरथर कांपने लगी है। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं इन 5 भयंकर खिलाड़ियों के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच में अब तक टोटल 63 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 51 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, तो वहीं 10 मुकाबलों को जिम्बाब्वे की टीम जीत पाई है। लेकिन अब बारी है 3 ओडीआई मैचों की सीरीज की, जिसका पहला मुकाबला 18 अगस्त यानी कुछ समय बाद हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 12:45 पर दोपहर में शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम में 5 भयंकर खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है। गाइस पहले नंबर पर है केएल राहुल, यानी गाइस केएल राहुल भारतीय टीम से बहुत दिनों से बाहर चल रहे थे चोट की वजह से, और अब केएल राहुल को जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम का कप्तान बनाया है। जबकि राहुल त्रिपाठी डेब्यू कर सकते हैं, तो वहीं कुलदीप यादव और नेट 1 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर की। गाइस ये 5 खिलाड़ी हैं जिनकी भारतीय टीम में पहले वनडे मुकाबले के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ वापसी हुई है। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पहले वनडे मुकाबले को कौन जीतेगा और इस सीरीज को भी कौन सी टीम जीतेगी।